आम लगातार आसमान छू रहे हैं, आम जनता के घरेलू बजट में पड़ रहा है फर्क। बाजार में भिंडी 80 रुपए, बैंगन 60 रुपए, फूल गोभी 100 रुपए, टमाटर 60 रुपए, हरी मिर्च 100 रुपए, केला 70 रुपए, शिमला मिर्च 100 रुपए, करेला 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। दरअसल कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन से किसानों की कमर टूट गई है। वहीं किसानों की दूसरी पारी की सब्जियों की फसल लगातार बारिश के चलते सब्जियां खेत में तबाह हो रही हैं और इस समय पंखाजूर क्षेत्र में ज्यादातर सब्जियां बाहर से मंगाई जा रही हैं। व्यापारियों के द्वारा रायपुर सब्जी मंडी से सब्जियां थोक मिलाकर पंखाजूर के दैनिक विक्रेताओं को थोक भाव से बेच रहे हैं। वहीं छोटे व्यापारियों के द्वारा दैनिक बाजारों में सब्जियां बेची जा रही हैं। क्षेत्र के किसानों की सब्जियों की खेती बारिश में सड़ जाने का नुकसान किसानों को हुआ है, साथ ही आम जनता की जेब में इसका फर्क साफ दिखाई दे रहा है। इस कारण जनता का घरेलू बजट भी बिगड़ रहा है। अमर मंडल, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पखांजूर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमर, एक ओर तो कोरोना से पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है, ऊपर से ही महंगाई की मार ने मानो आम आदमी की कमर तोड़ डाली है। जी, आपको बताना चाहूंगा, एक तो पूरे देश महामारी से जूझ रहे हैं, ऊपर क्षेत्र के किसान जो कि बड़ी मेहनत से अपने खेत में जो फसल उगाए थे और लगातार बारिश के चलते उनके सारे फसल, अब रासवा सब्जी का जो सब्जी यहाँ से 300 किलोमीटर दूर पखांजूर में रायपुर मंडी से आता है, जिसके चलते हर एक सब्जी 80 से लेकर 100 रुपए के बीच रेट चल रहा है, इसके चलते पूरे क्षेत्र के लोगों को भारी ये करना पड़ रहा है, महंगाई से जूझना पड़ रहा है। जी, और जो खेतों में फसल खराब हुई है अतिवृष्टि के चलते और जो सब्जियां खराब हुई हैं, क्या सरकार की ओर से, शासन की ओर से कोई राहत का ऐलान किया गया है किसानों के लिए? जी नहीं, सरकार तो ना ही उसको सर किया है, ना ही कोई मुआवजा ऐलान किया गया है और ना किसानों के कुछ दूसरा कोई सहूलियत सरकार की तरफ से दिया गया है। जितना भी सब्जी इन लोग बड़ी मेहनत से उगाए थे, लगातार बारिश के चलते पूरे के पूरे सब्जी बर्बाद हो गया, खराब हो गया, लेकिन ना ही उनके सरकार तरफ से ना ही कहीं और से किसी तरह मदद इनको नहीं मिल रही है। जी, अभी किसानों का क्या कहना है, क्या चाहते हैं किसान ऐसे दौर में? हम इतना से फसल ये किए हैं, हमारे पूरे फसल बारिश के चलते बर्बाद हो गए, तो सरकार से उनके मुआवजा के रूप में अगर कुछ पैसा या कुछ दिया जाए तो उनको बहुत सहूलियत होगा, ये किसानों का मांग है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ इनको ना ही सर्वे किया जा रहा है, ना ही कोई मुआवजा देने का ऐलान किया गया है, ना ही इस टाइप का कोई आश्वासन सरकार तरफ से उनको दिया गया है। जी, शुक्रिया अमर जानकारी के लिए।